But the maxims from seen to unseen emphasize the importance of presenting. ये मैगजीन पर नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं. अच्छी टीचिंग जो है मैगजीन के बेस पर ही चलती है. नॉर्मली सिंपल टू कम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो उनके मीनिंग है, एक है सीन टू अनसीन. तो सीन को अगर आपने देखना है तो आँखों के साथ जोड़ सकते हैं, दिखता है. जो अनसीन है, जो फाइव हमारी सेंसेस हैं ना, फाइव सेंसेस हैं, फाइव सेंसेस से परे हैं. नेचुरली ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा. और नॉर्मली ये इमोशंस, साइकोलॉजिकल, ऐसे आस्पेक्ट जो हम सीधे नहीं दे सकते, जो हिडन है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, किसी भी कंटेंट में. तो आंसर इसका जो सीन है, आंखें सेंसेस से जोड़ते हैं, बाकी जो है सेंसेस भी शामिल कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट से शुरू नहीं हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ये बिल्कुल जाएगा. ये इसलिए करते हैं, कॉम्प्लेक्स से कोई भी शुरू नहीं होती. कोई भी मैगजीन जो है कॉम्प्लेक्स से शुरू नहीं होती, फर्स्ट नहीं आती. दैट इज़ वाई ये हमेशा रॉन्ग है. परसेप्चुअल हो गया, परसीव करना है, जो सेंसेस से हमें हम देखते हैं. मैंने एक चीज़ को देखा और मेरे मन में अंदर जो है एक मीनिंग बन गया, उसको परसेप्चुअल बोलते हैं. दैट इज़ राइट, ये राइट आंसर हो गया. अननोन कंसेप्ट फर्स्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नोन पहले हैं. जो आँखों से देख रहे हैं वो नोन है. दैट इज़ वाई परसेप्चुअल वाला बेस्ट है. अगर इसकी एग्जाम्पल्स हमने देखनी है, एक तो हिंदी में देख लीजिए कि देखे से अनदेखे तक प्रस्तुत करने के, टीचिंग में, क्लास में आपने कोई कंटेंट को पेश करना है तो वो ऐसे पेश करना है. इससे और रिलेटेड कई जो हैं आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन. वो क्या है, एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ. जैसे लिटरेचर में है, नॉवल टीच करना है तो समरी टीच कर ली पहले, कि समरी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, करेक्टर को देखा है, लेकिन उसके पीछे जो थीम है, जो मोटिव था, थीम था, सिंबोलिज्म है, मेटाफर यूज़ किए हैं, वो हिडन है. वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना है, समरी से इसकी तरफ बढ़ना. आर्ट में है, पेंटिंग जो है, पेंट है, कलर का, जो कलर को हम देख सकते हैं ना, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब जो पेंटर ने पेंटिंग की है उसमें कुछ इमोशंस छुपे हुए हैं, वो अनसीन है. वहाँ तक पहुँचना है, टीचिंग ने वहाँ तक लेके जाना है. साइंस में है, एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के पीछे जो लॉ है, प्रिंसिपल है, नियम है, उस तक धीरे धीरे टीचिंग ने लेके जाना है. ये सीन से अनसीन की एग्जांपल दे रहा हूँ. हिस्ट्री में है, हम इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, हमें क्लियर है ये डेट, ये इसका मतलब है. लेकिन वो इवेंट्स जो हुई हैं, वो डेट्स हैं, उसका कोई सोशल, कल्चरल, पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था जिसके कारण वो घटना हुई, उसको आइडेंटिफाई धीरे धीरे करना है, फाइंड आउट करना है. म्यूज़िक में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके बाद उसके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से जो म्यूज़िक निकलता है उसमें पीछे छुपे हुए इमोशन तक पहुंचना है. ये सारी एग्जांपल जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल है, यहाँ सारी नहीं डिस्कस करेंगे. वापस चलते हैं सेकेंड टॉपिक जो है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. मेमोराइजिंग कभी नहीं मेमोराइजिंग होगा, याद करना सिर्फ नहीं होगा, ये रॉन्ग है. एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल, हाँ ये अच्छी बात है. डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये मच बेटर है. जब आपने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर दी, इट मीन्स आपने बच्चे को एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता बता दिया कि वह खुद ही कर सकता है. अब वो इंडिपेंडेंट सोच रहा है. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी इन्फॉर्मेशन को लेने से पहले मैं उस इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली इवेल्युएट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, उसके टुकड़े करके देखता हूँ, उसको एविडेंस के साथ जोड़ के देखता हूँ, उसकी एग्जाम्पल जिंदगी रियल में जोड़ के देखता हूँ, उस पर रिसर्च हुई है, मेरे एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के देखता हूँ, रिसर्च के साथ जोड़ के देखता हूँ, ये क्रिटिकल थिंकिंग है. अंडरस्टैंडिंग है, बिना समझे जीना नहीं है. तो राइट आंसर, बेस्ट आंसर ये बनता है, इंक्रीजिंग टेस्ट परफॉर्मेंस. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रॉन्ग आंसर ही ज़्यादा रहेंगे जितने भी टीचिंग पोटेंशियल के क्वेश्चन होंगे. व्हाट रोल डज फीडबैक प्ले इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो नॉर्मली इसका आंसर फीडबैक का, फीडबैक है क्या कि आपने कोई काम किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर जाके दे देते हैं बोर्ड पर, ये रहा.
कोई आपने काम किया है, फीडबैक क्या है, कोई काम किया है, फॉर फॉर एग्जांपल आपने टीच किया है ना, मान लीजिए टीच किया क्लासरूम में, और टीच करने के बाद वो परफॉर्मेंस के आपके दो पॉइंट बनते हैं, एक तो नेगेटिव पॉइंट, ये वाला वीक पॉइंट था जी, ये पॉजिटिव हैं आपके, ये वाले पॉजिटिव हैं, तो ये फीडबैक है। तो फीडबैक में करना क्या है कि ये नेगेटिव है, इसको बाद में पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए प्लानिंग फर्दर करनी है, तो फीडबैक हेल्प करती है। फीडबैक इज़ अननेसेसरी, तो इनइफेक्टिव, ये गलत हो गया, नेसेसरी है। फीडबैक हेल्प्स स्टूडेंट टू इम्प्रूव, ये आ गया राइट आंसर, राइट आंसर का इम्प्रूव सेंट्रल आइडिया इसका। देयर परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फीडबैक डिस्करेज नहीं करती स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। फीडबैक इज़ ओनली, जहाँ ओनली आ गया वीक है पॉइंट, वहाँ गिवन बाय टीचर नॉट बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा भी दी जा सकती है फीडबैक। बच्चा कोई पीयर आपका दोस्त बता सकता है, यार यू तू ये गलती कर रहा है मेरे ख्याल में, तो वो फीडबैक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ, अच्छा हिंदी में देख रहे हैं साथ में, ये देख लीजिए, ये मूर्त वाला हो गया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्राथमिक लक्षण क्या है, ये बात हो चुकी है, आलोचनात्मक सोच और समझ का विकास करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक की भूमिका क्या है, इसके बात हो चुकी है कि फीडबैक छात्रों उनके प्रदर्शन और समझ को बेहतर बनाने के लिए मदद करता है, ये बात हो चुकी है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की उपलब्धि को बढ़ावा देने में स्कूली पाठ्यक्रम का क्या भूमिका है, इंग्लिश में साथ में करेंगे यहाँ पर, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल करिकुलम प्रमोटिंग स्कूल अचीवमेंट, इट्स अ सेट स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, बिल्कुल है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन नहीं समझ आता तो टीचिंग की प्लानिंग करने के लिए, बिल्कुल। इट गाइड्स द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज एंड मटीरियल, कि एक टीचर ने टीच करना है, एक लेसन है, उसके पीछे दिया होता है कि आप ये मटीरियल यूज़ कर सकते हैं उसको अच्छी तरह से टीच करने के लिए, तो रिसोर्सेज और मटीरियल के लिए गाइड किया जाता है। ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर सीधा बन गया है, इंग्लिश में, पंजाबी हिंदी में है। यह छात्रों को सीखने के लिए मानक और अपेक्षाएं, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपेक्षा रखनी है बच्चे से कि ये करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में एक्सपेक्टेशन कम करनी है लेकिन इस दुनिया में बढ़ानी एक्सेस से ज़्यादा नहीं बढ़ा देनी। निर्धारित करता है यह अनुदेशनात्मक योजना के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, वेरी गुड। यह शिक्षण संसाधनों और सामग्रियों के चयन में मार्गदर्शन करता है, दैट इज़ वाई उपरोक्त सभी राइट आंसर है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तीन तरह की है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल तो है, उसकी बेस्ट एग्जाम्पल स्कूल है, जहाँ पर पर्टिकुलर अगर कोई आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल है, तो आपने ये देखना है इसका टाइम टेबल है, जहाँ पर टाइम टेबल होगा, जहाँ पर वेन्यू होगा कि इस जगह पर आके ही आप लर्न कर सकते हो और इस समय ही लर्न कर सकते हो, वो फॉर्मल है। स्कूल में बेल होती है, बेल सिस्टम इंग्लिश पीपल ने दिया था, वो अभी तक हमारा चल रहा है, तो बेल एक पीरियड में ये लर्न करना है, पंजाबी है, इंग्लिश है, हिंदी है ना, तो ये फॉर्मल सिस्टम हो गया। तो इनफॉर्मल है कि जिसका कोई टाइम नहीं है, कहीं भी रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, यहाँ वहाँ, समंदर में, बाहर, है ना, सागर में, मैदान में, घर में, बाहर, कहीं भी सीख सकते हो, कभी भी सीख सकते हो। इंसिडेंशियल लर्निंग एंड एक्सीडेंशियल लर्निंग दोनों ही इसका पार्ट होते हैं। तो नॉन फॉर्मल इनके बीच में आता हूँ कि थोड़ा सा टाइम और वेन्यू को भी प्लान कर लेना है और थोड़ी फ्रीडम भी, इनफॉर्मल भी उसको रखना है, तो ये नॉन फॉर्मल पूछी गई है। तो ये जो फॉर्मल है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, 100% स्ट्रक्चर्ड होगी, है ना, टाइम टेबल उसकी एग्जांपल है, स्ट्रक्चर्ड होगी। इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड होगी, तो नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में होगी। तो अनस्ट्रक्चर्ड एंड इनफॉर्मल लर्निंग ये है, बिल्कुल नहीं, ये तो इनफॉर्मल होगी। एजुकेशन प्रोवाइडेड इन स्कूल, ये फॉर्मल हो गई। स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल एक्टिविटी आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम, ये डेफिनेशन ही है। अब स्ट्रक्चर्ड भी है लेकिन आउटसाइड द स्कूल भी है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन फोकस्ड ऑन वोकेशनल स्किल ओनली, ओनली नहीं रखना, एकेडमी पर भी है, दैट इज़ वाई गलत कर दिया।
ये राइट आंसर थर्ड वाला है। हिंदी में भी देख सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा है, ये वाला है। औपचारिक स्कूल प्रणाली के बाहर संरचित शिक्षक गतिविधियां जो है प्रदान करना। नेक्स्ट है, अच्छे संचार कौशल से शिक्षकों को कैसे लाभ हो सकता है, इंग्लिश में है ये रहा, हाउ कैन गुड कम्युनिकेशन स्किल बेनिफिट टीचर्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल, बिल्डिंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, रिलेशन बनेंगे, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, झगड़े हैं उनका सोल्यूशन होगा, इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। तो ये ए बी सी डी हैं, हम चार के चारों को जो है अपनाते हैं राइट आंसर के तौर पर। व्हाट इज़ द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, इट इन्वॉल्व एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटी, तो एक्सपीरियंशियल नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि आप ऑनलाइन नहीं हो, देख रहे हो, ट्रांसमिशन हो सकती हैं। इट टेलर इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड, इट कम्बाइंस ट्रेडिशनल फेस टू फेस लर्निंग एंड विद टेक्नोलॉजी बेस्ड, ये ब्लेंडेड लर्निंग होगी, फ्लिप्ड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग है कि टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का जो है, सॉरी, आईसीटी जिसको बोलते हैं या कंप्यूटर वाली चीज़ को और फेस टू फेस को आधे आधे आस्पेक्ट को मिक्स करना है, इसको ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ठीक है, एंड रिसोर्सेज, ये ठीक है। तो ये भी डिस्करेज कर रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड बेस ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड बेस से ज़्यादा पर्सनलाइज जो है सामने बैठ के है ना वो होगी। तो डी को राइट आंसर चूज़ कर रहे हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं, यहाँ पर ये बी सी डी हो गया है। ऑनलाइन शिक्षक प्राथमिक विशेषता क्या है, यह पारंपरिक आमने सामने, ये गलत है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और संसाधनों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द दूरस्थ शिक्षा, दूर से जो डिस्टेंस एजुकेशन है, में किसी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम का नामांकन की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। विच टर्म रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एनरोलिंग इन कोर्स और प्रोग्राम इन डिस्टेंस एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट, एडमिशन, मैट्रिकुलेशन, तो ये सबसे पहले गलत हो गया। एडमिशन नॉर्मल टर्म है, एनरोलमेंट हो सकता है ठीक, लेकिन रजिस्ट्रेशन इज राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये विच यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन 82 टू प्रमोट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। देखिए दो तो वैसे ही डिलीट हो गए कि ओपन नहीं है, तो ये जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो आंसर यहाँ पता चल गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर ये पूछा जाए कौन सी पहले एस्टैब्लिश हुई है, तो भी आंसर ये बन रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन एजुकेशन, क्लोज्ड इसके ओपोजिट बन गया, रिस्ट्रिक्टेड एसेस टू लर्निंग, बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो करना ही नहीं है बिल्कुल, लिमिटेड ये भी उसके उल्ट हो गया, ओपन के उल्ट हो गया, लिमिटेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, नहीं, जो ओपन एजुकेशन है वो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, हमने वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक एजुकेशन स्कूल नहीं पहुँच सके, हिली एरिया है, रिमोट एरिया है, वहाँ तक मोबाइल, हाँ मोबाइल भी नहीं है, ये एक डिजिटल गैप है, ये अलग से विषय है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके पास अगर टेलीविज़न है या कुछ ऐसा रिसोर्स है वो पहुँचा के वहाँ तक एजुकेशन को पहुँचाना है, ये बात है। तो कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग एजुकेशनल रिसोर्स, ये है बिल्कुल, शाबाश, गुड। हाई कॉस्ट ऑफ लर्निंग नहीं, जो है सस्ती होगी कि गरीब लोगों तक पहुँच सके, हिंदी में देखना है तो देख के आगे बढ़ते हैं। ये रहा हिंदी में, ये हो गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी 82 में है, और ये हो गया शैक्षिक संसाधनों का सहयोग एंड साझाकरण। नेक्स्ट है, भारत में मुक्त विद्यालय शिक्षा के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है, इंग्लिश में है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपन स्कूलिंग इन इंडिया, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये नहीं है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वेरी इजी, ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। पहले वाला राइट आंसर है ओपन वाला, विच मैंडेट द ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेन्ड एलिमेंट्री टीचर्स थ्रू DLED प्रोग्राम। तो DLED प्रोग्राम के ज़रिए जो टेट जिसने किया था, ना तो वो सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो इसका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि ये एक्ट अप्लाई कब हुआ था, है ना, अप्रैल 2010 में लागू कब हुआ था। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शनैलिटीज़ ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, हिंदी में भी साथ में देख लो, थोड़ा सा खतरनाक से शब्द आपको देख लेने चाहिए, कभी कभी तो ऐसा देख भी लेना चाहिए। ये रहा पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली की प्रमात्विक कार्य प्रणाली क्या है, तो क्या है देख लेते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है। कैटालॉगिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बुक कलेक्शन, बिल्कुल। इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेटेड चेक इन चेक आउट प्रोसीजर, जनरेटिंग रिपोर्ट्स ऑन लाइब्रेरी यूसेज एंड बुक सर्कुलेशन पैटर्न्स, फैसिलिटेटिंग पैटर्न्स रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजिंग बोरिंग अकाउंट। तो ये तो सारे उसके बन रहे हैं, ABCD सारों को ऑल ऑफ अबव यहाँ पर चूज करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, टू कीप ट्रैक ऑफ लाइब्रेरी फाइन्स, नो फाइन नहीं, टू एडवर्टाइज अपकमिंग लाइब्रेरी इवेंट नहीं, टू प्रोवाइड एसेस टू लाइब्रेरी सोर्स। कैटालॉग देखा है कि जहाँ तक है, फॉर एग्जांपल मैंने PhD थीसिस देखना है, ये बुक देखनी है, तो मैं कैटालॉग देखूँगा कि उसका वो कौन सी बुक है, उसका जो नंबर कौन सा है, है ना, और वो नंबर में एलमिरा के पास जाऊँगा और मैं ढूँढ लूँगा असेस, ये पहुँच। हिंदी में ये होगा पुस्तकालय के उपयोग, पुस्तक नहीं, ये नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है, ये पुस्तकालय से पहुँच, पहुँच देखा, एक वर्ड बता देता है कि राइट आंसर क्या है। ई बुक क्या होती है इंग्लिश में, व्हाट इज़ ई बुक, बुक रिटन इन इलेक्ट्रिक फॉर्मेट, ठीक है, बुक दैट कैन ओनली असेस्ड इन लाइब्रेरी, बुक विद इन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया फीचर, ए बुक दैट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, ये वेरी इजी है क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट नहीं है। स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली डिस्प्लेज डिस्टर्बिव बिहेवियर, इंटरप्ट्स क्लासरूम डिस्कशन एंड डिस्ट्रैक्ट अदर, व्हाट शुड ए टीचर टू डू हैंडल दिस सिचुएशन इफेक्टिवली। ये रहा हिंदी में, एक टीचर जो बच्चा जो है डिस्टर्ब करा है बार बार, है ना, विघटनकारी व्यवहार प्रदर्शित करता है कक्षा में, तो क्या करना चाहिए उसके लिए। छात्र को व्यवस्थित करने के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य दे दे, डिफ़िकल्ट टास्क दे देना नहीं, विद्यार्थियों को जब चाहे तब ब्रेक लेने की अनुमति दे दें, तो ये तो टोटल फ्रीडम हो गई। एक व्यवहार प्रबंधन योजना लागू करे और स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करे, ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द क्या है इसमें, इम्प्लीमेंटिंग बिहेवियरल मैनेजमेंट थेरेपी, बिहेवियरल मैनेजमेंट, है ना। तो एक प्लान बनता है जिसमें टीचर ये बताता है कि क्लास में कैसे रहना है, जब क्वेश्चन पूछना है कैसे पूछना है, पहले हैंड रेज करना है, फिर मैं इशारा करूँगा, अच्छा ये रूल्स बता दिए गए, एक्सपेक्टेशन क्लास में बता दी गई कि क्लास में ऐसे रहना है, ऐसे बात करना है, इतनी लाउडली बात करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछना है, बता दिया कैसा, फिर उसके बाद रीइन्फोर्स करना है, वेरी गुड ईशान, आपने अपने साथी की हेल्प की है, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन हेल्प की रखी थी, आपने क्वेश्चन पूछने से पहले हैंड रेज किया, वेरी गुड, तो आप रीइन्फोर्स उन्हीं बातों को कर रहे हो। तो पहले एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि टीचर द्वारा स्कूल द्वारा ये एक्सपेक्टेड है, कोऑपरेशन है, हेल्प है, हैंड रेज करना है, तो वही बातें को आप शाबाश दे रहे हो, तो ये बिहेवियरल मैनेजमेंट प्लान होता है। सबसे बढ़िया है कि सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन कि बेटा मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप दूसरों की हेल्प करो, है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो मैंने बातें पीछे बताई हैं। सो राइट आंसर ये है। आइसोलेट ये शब्द पहले ही गलत होने के संकेत दे रहा है, स्टूडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन से दूर हो जाओगे। स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली डे ड्रीमिंग,
डे ड्रीम्स इन क्लास, बैठे हुए सपने ले रहा है क्लास, एंड सीम्स डिसएंगेज्ड फ्रॉम द लेसन, तो लेसन पर ध्यान नहीं दे रहा. व्हाट कैन द टीचर डू एंड री एंगेज द स्टूडेंट इन लर्निंग, तो क्या करना चाहिए कि वो लर्निंग में एंगेज हो जाए. अलाउ द स्टूडेंट टू कंटिन्यू डे ड्रीमिंग एज इट्स, कोई आपका एफर्ट नहीं हुआ, आपने कहा कि बेटा जैसे सपने ले रहे हो लेते रहो, ये तो कोई बात नहीं ना हुई, कोई भी बात नहीं हुई. ये कहाँ है विद्यार्थी, हाँ देखना जारी रख दे. कक्षा के दौरान जो है दिवा स्वप्न को रोकने के लिए अनुशासनात्मक उपायों का प्रयोग करें. जुड़ाव बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारिक गतिविधियों को शामिल करें. विद्यार्थियों को दिन में स्वप्न देखना है जो, को तब तक नज़रअंदाज करते हैं जब तक वह दूसरों को बाधित नहीं कर रहे. तो कौन सी ऑप्शन को आप चूज़ करोगे, ये रहा. यूज़ ऑफ डिसिप्लिनरी मेजर टू प्रिवेंट, तो ये थोड़ा रिजिड वाला प्रोग्राम हो गया, नहीं है, हम इग्नोर करेंगे. कॉरपोरेट इंटरेक्टिव एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी टू इंक्रीज द एंगेजमेंट, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है. क्यों, कि एक बात होगी इंटरेक्टिव है, बच्चे बात अब कर सकते हैं, हैंड्स ऑन है, इट मींस मैनुअल वर्क, हाथों से काम करना है, तो इसमें एंगेजमेंट ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा एंगेज होते हैं, है ना. इग्नोर करना, ये गलत बात होगी. तो राइट आंसर सी को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज. नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइब्रेरी के संदर्भ में, तो डीवी डेसिमल सिस्टम एक है. डीवी डेसिमल सिस्टम में क्या है यहाँ पर, कि जैसे ये रहा आपका 99 से, ऐसे है 99 से 199 तक, आने ये 100 से, ऐसे है, ऐसे 100 से मान लीजिए 199 तक आपने एक सब्जेक्ट को नाम दे दिया, वो तो सब्जेक्ट बाद में वैसे दिखा दूंगा, यहाँ नहीं दिखा सका मैं सब्जेक्ट को. फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी ऐसे दे दिया, फिर नेक्स्ट सीरीज़ को ये दे दिया. तो जो ये डीवी डेसिमल सिस्टम में ये जो नंबर है उससे पता चल जाएगा कि ये अगर किसी बुक के पीछे 103 लिखा है, इट मींस पता लग जाएगा कि वो इस सब्जेक्ट की बुक है. मैं किसी वीडियो में वो सारे दिखा दूंगा जिससे ये पता चल जाए कि, क्योंकि ये लाइब्रेरी यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कि ये नंबर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये नंबर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है. तो या अगर मान लीजिए ये 103 लैंग्वेज से है और यहाँ पर डेसिमल लगा के 3 साथ में लगाया है, जहाँ मैथ के साथ है डेसिमल लगा के उसकी सब कैटेगरी बनाई हुई है कि वो लॉजिक का है, मान लीजिए अलजेब्रे का है 4, है ना, 103.4, ऐसे डीवी डेसिमल सिस्टम है. लेकिन ये अलग से बड़ा हो जाएगा इसलिए यहाँ नहीं दिखा सका. ऑर्गेनाइजिंग बुक्स है, जर्नल्स है, ऑडियो विजुअल मटीरियल, ऑल ऑफ अबव, सभी हैं, ये कर सकते हैं. विच नेशनल लेवल एजुकेशनल एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, पहले UGC नेट था, अब NTA को ये टेस्टिंग का काम दे दिया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये ले रही है. व्हेन वाज निपा एस्टैब्लिश एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी, 2006 में, इसको याद रखना है निपा को, इसका NIEP है ना, तो पी को उल्टा करके ये 6 बना लो इसका, 2006 था भी इसमें, वो इजी रहेगा याद करना. व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RTE एक्ट, एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, प्रमोटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, रिड्यूसिंग चाइल्ड लेबर. दो रेलेवेंट है, ये वाला, लेकिन ये वाला राइट आंसर है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन इज राइट आंसर.
डीवी डेसिमल सिस्टम अप्रोच सभी के लिए है, और JRF जो NTA था राइट आंसर देख लिया हमने, न्यूपा का इसका हमने 6 बना लिया था, ये रहा 6 2006 राइट आंसर। RTE एक्ट किसके लिए है, समान अवसर सुनिश्चित करना शिक्षा के लिए, है ना। अब है नेक्स्ट ये क्वेश्चन, NCERT कंडक्ट नेशनल टेरेंट सर्च एग्जामिनेशन, NTSE इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन फॉर विच लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, प्राइमरी मिडल, प्राइमरी आप लगा लो फिफ्थ तक, ये एट्थ तक, ये टेंथ तक, है ना, ये कॉलेज तक हो गया और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया। यहाँ पर है हमने हाई स्कूल तक ये इसका आंसर राइट गिन लेना है। UGC प्रोवाइड ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस थ्रू विच स्कीम, राष्ट्रीय उच्चतर, उच्चतर आ गया ना, उच्चतर इससे पहचान लीजिए, सर्वशिक्षा अभियान स्कूल के लिए था, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल नहीं, मिड डे मील भी स्कूल के लिए है, ये सिर्फ कॉलेज के लिए है, तो राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ए टीचर शुड टेक व्हेन फेस्ड विद द प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट विद द स्कूल स्टूडेंट्स, इग्नोर नहीं, इग्नोर है तो वो रॉन्ग ऑप्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, प्रॉब्लम एंड होप इट रिजॉल्व इट्स ओन, नहीं, एड्रेस द इशू इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ एंटायर, यहाँ गलती क्या हो गई, इन फ्रंट ऑफ सबके सामने नहीं करना, शेड्यूल ए प्राइवेट मीटिंग विद द स्टूडेंट टू डिस्कस द कंसर्न, ये गुड है, इन्वॉल्व अदर टीचर्स टू मीडिएट द कन्फ्लिक्ट, तो देखो अदर टीचर को अभी नहीं शामिल करना, अभी बच्चे के साथ आपने बात करनी है, ये प्राइवेट मीटिंग जो है ना, दिस इज़ बेस्ट आंसर, इसको राइट आंसर लेके चलो। हिंदी में प्राइवेट मीटिंग को क्या कहेंगे यहाँ पर, ये ग्रामीण ये तो हो चुका है, भोजनालय भी हो गया है, और ये रहा निजी बैठक करना, ये रहा। नेक्स्ट है यदि किसी स्कूल छात्र के साथ संघर्ष में संसाधन आवंटन के मुद्दे शामिल है तो शिक्षक उचित समाधान कैसे ढूंढ सकता है, इंग्लिश में है इफ़ ए कन्फ्लिक्ट इन ए स्कूल स्टूडेंट इन्वॉल्व इशू द रिजॉल्व रिसोर्स एलोकेशन, के कोई चीज़ बांटनी है, है ना, शूज़ है, यूनिफॉर्म है, बुक्स हैं, हाउ कैन टीचर फाइंड द फेयर सोल्यूशन, तो फेयर सोल्यूशन क्या होगा, एलोकेट ऑल रिसोर्स टू द हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट टू मेंटेन हारमोनी, जो होशियार बच्चे हैं उनको सब कुछ बांट देना, नहीं ये गलत होगा, इग्नोर द रिसोर्स इशू एज इट मे बी कॉज ऑफ फर्दर कन्फ्लिक्ट, नहीं ऐसे भी नहीं करना, मैनेज करना है, हैव एन ओपन डिस्कशन एंड वर्क टुगेदर टू फाइंड आउट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे बड़ी बात है कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक, क्योंकि डिस्कशन आ गया, अब सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इक्वालिटी यहाँ से शुरू हो गई और ओपन है, सभी को शामिल किया गया है, वर्क टुगेदर है, कोलेबोरेशन है, कोऑपरेशन है, मिलके चलना है, है ना, सीक हेल्प फ्रॉम अदर टीचर, देखो कोई भी अच्छा टीचर दूसरे से जल्दी हेल्प नहीं लेनी है हेल्प, लेकिन आपके क्वेश्चन में आपने खुद सॉल्व करनी है, ऐसे ऑप्शन आपके लिए ठीक होंगे, तो राइट आंसर सी है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग, एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन, असेसमेंट और ग्रेडिंग, तो इसके बारे में ये कन्फ्यूजिंग टर्म है, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, टेट में भी आते हैं, UGC नेट में भी आते हैं, इन पर एक डिफरेंट वीडियो है, नीचे लिंक भी होगा, वो देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन, एवेल्युएशन, असेसमेंट, ग्रेडिंग, इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ये दिस इज़ राइट आंसर यहाँ पर है असेसमेंट, बाकी उस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, रैंकिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, इवेल्युएटिंग, ये इवेल्युएटिंग आ गया, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग, ये है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो इंफॉर्मेशन फीडबैक बन जाए, तो इम्प्रूव करने के लिए दिस इज़ बेस्ट आंसर, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू इम्प्रूव, देखो यहाँ फीडबैक और इम्प्रूव, इनका है ना एक बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, इनको नहीं भूलना,
कुछ इम्प्रूव करना है तो फीडबैक इज़ गुड। डिटरमाइनिंग स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड, ये सबमेटिव असेसमेंट है, ये खतरनाक थोड़ी होती है। वाई इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर, इट हेल्प्स देम टू मेंटेन द स्ट्रिक्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट। नहीं 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 नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन कि मैं सोच रहा हूँ आज मैंने पढ़ाया, मैंने क्या अच्छा पढ़ाया, क्या अच्छी तरह से पढ़ाया, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, आज मैंने गलतियाँ क्या की, कहाँ मैं बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मैं अपनी रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे, ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। मैं दूसरों से व्यू लेता हूँ मेरी टीचिंग को, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। इट एनेबल देम टू रिकोगनाइज देअर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, है ना, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं कमियाँ क्या हैं, मेरे पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं, ऐसे। ये वाला राइट आंसर वैसे बन गया है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इट इंक्रीज देअर वर्क लोड, नो नो, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर प्रोफेशनल, नहीं एलिमिनेट नहीं करता, ये अच्छी बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसी बात करेगी। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पनिशमेंट इन लर्निंग, इस डिस्करेज फ्यूचर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है, डिस्करेज कर रहा है किसको, अनडिज़ायरेबल को, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दैट इज़ वाई ये ठीक है। री इन्फोर्स पॉजिटिव बिहेवियर, नहीं वो तो री इन्फोर्समेंट हो गई, जहाँ रिवार्ड हो गया। टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नहीं। फोस्टर इंट्रेंसिक मोटिवेशन, नहीं। फर्स्ट इज़ राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग द बिहेवियर दैट वॉज प्रीवियस री इन्फोर्स इज कॉल्ड, तो ये पहले जो लर्न किया था एक हैबिट बन गई थी। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शाबाश देते हो, जब वो क्वेश्चन पूछता है, शाबाश क्वेश्चन पूछता है, शाबाश है ना, तो अब आपने शाबाश देना बंद कर दिया है, तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, इट मीन्स डिसकनेक्शन हो गया, एक्सटिंक्शन हो गई, टूट गया वो कनेक्शन, एक्सटिंक्शन है ये। वैसे स्किनर की थ्योरी, पावलोव की थ्योरी में से ये क्वेश्चन है, आप आगे पढ़ोगे। क्लासरूम इनडिसिप्लिन रेफर टू द लैक ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, नो 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 नो, स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन ओपनली, नहीं। डिसऑर्डरली बिहेवियर एंड डिस्टर्ब्ड इन द क्लासरूम, ये है बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में ये भी देख लें, हिंदी वाले के कौन से देख चुके हैं हम, विद्यार्थी सीखेंगे के बारे में जानकारी एकत्र करना पड़ेगा, निम्न का कौन सा है, ये हो चुका है कि यहाँ पर राइट नहीं है जो उसकी ट्रांसलेशन है। सीखने के लिए मूल्यांकन की प्राथमिक फोकस क्या है, इम्प्रूव करना ना, फीडबैक के लिए, ये बात हो चुकी है। शिक्षकों का आत्मचिंतन क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि उसकी कमजोरियाँ बताता है, ताकतें बताता है। सीखने के सज़ा की प्राथमिकता क्या लक्ष्य है, कि वो डिस्करेज करता है जो अनवांछनीय अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको। तो ये हो गया किसी व्यवहार को सीखने के लिए प्रक्रिया में पहले प्रतिबलन किया जाता, वो एक्सटिंक्शन हो गया है। नेक्स्ट है, ये रहा अनुशासन की जो डेफिनेशन थी, ये रहा भारत का पहला, विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन एंशियंट इंडिया, ये टीचिंग पोटेंशियल में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। नवोदया विद्यालय एम टू फोकस ऑन अर्बन, नहीं, रूरल पर, कैटर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन, नहीं, ब्रिंग आउट द बेस्ट पोटेंशियल ऑफ रूरल। नवोदया विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में खोले गए थे रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, ये हर नवोदया विद्यालय किसी रूरल एरिया में खोला गया है, ये कहाँ नहीं खुले, तमिलनाडु में इस स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन यस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी भी है, सब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए था यहाँ, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछा जाता है। थैंक यू, नेक्स्ट टीचिंग पोटेंशियल के सेट के साथ मिलते हैं, लिंक नीचे दिया गया होगा। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।